वन अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर में जो लोकेटेड है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो चलिए आज हम बात करते हैं वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या क्या यहाँ का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है और क्या इसकी मतलब पेशेंट फ्लो वगैरह और कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है, तो इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड एंड मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको गेट एडमिशन के चैनल पर जरूर मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इसका जो पहला बैच है वो 2016 में आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दो तीन साल बाद कोई बैच आया, यानी 2019 या 2020 में इसमें कोई सेकंड बैच आया है। तो एक दो तीन साल इसमें गैप रहा है। उसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। मतलब काफ़ी कनेक्टिविटी भी सही है इस कॉलेज की, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा कनेक्टिविटी के रिलेटेड। और इस कॉलेज का हॉस्पिटल भी काफ़ी सही इक्विपमेंट्स के साथ है, सही मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इस कॉलेज में। पेशेंट फ्लो भी इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा है जो सुनने में आया। पेशेंट फ्लो के थ्रू ही हम थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि तो पेशेंट फ्लो इसका मतलब एक एवरेज से भी ऊपर हम कह सकते हैं कि पेशेंट फ्लो अच्छा है इस कॉलेज का। अब हम बात करते हैं एफिलिएशन की। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है एंड रिकॉग्नाइज द एनएमसी के थ्रू। तो एनएमसी के थ्रू ही रिकॉग्नाइज होना सबसे जरूरी होता है, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो वो ये है प्रॉपर तरीके से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अगर इसको चाहते हैं एडमिशन लेना इसमें तो हम ले सकते हैं एडमिशन अच्छे से, तो ऑफिशियली तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो अब आप आगे बढ़ते हैं इस कॉलेज की। अगर मैं ट्यूशन फीस के बारे में बात करूं तो पर ईयर की जो इसकी ट्यूशन फीस है वो है 12,10,000। और सबसे मतलब बड़ा पॉइंट इस कॉलेज का मेरे को लगा कि 2020 में भी सेम थी, 2021 में भी सेम ट्यूशन फीस थी, और सुनने में आ रहा है कि इस साल भी वो सिमिलर ही रहने वाली है, कोई इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, 12,10,000। एंड बात करें इसके दूसरे चार्जेस की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ का जो मिसलेनियस चार्ज है उसके अंदर आपकी एग्जाम फी इंक्लूडेड है 85,600 एंड 3 लाख आपको यहाँ पे करने होंगे एज अ सिक्योरिटी फीस, जो आपको फर्स्ट ईयर में ही पे करनी होगी। आपकी रिफंडेबल अमाउंट है, आपको वो रिफंड हो जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको पे करने होंगे 1.5 लाख हॉस्टल के लिए और नॉन एसी, और 1.75 लाख आपको एसी रूम्स के लिए यहाँ पे करना होगा। तो इस कॉलेज की अगर मैं आपको टोटल फीस बताऊं फर्स्ट ईयर की तो वो 17.5 लाख, मतलब 17,50,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस कॉलेज में खर्चा जैसे आप लॉन्ड्री चार्जेस लगा सकते हैं, बिल आपको यहाँ पे नहीं करना, कूलर लगा सकते हैं आप अगर हॉस्टल में आपको कूलर लगाना है, एसी का आपको कोई बिल पे नहीं करना, लेकिन आपको यहाँ पे लॉन्ड्री के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो मतलब अपना कपड़े का पर हिसाब है, वो बिल्कुल अलग है वो वहाँ पर का। वो तो यार देखो हॉस्टल में अगर हम रह रहे हैं तो और भी ढेर सारे खर्चे हो जाते हैं रहन सहन के, खाने पीने के, तो वो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें इस वीडियो में तो 2021 में फर्स्ट राउंड की इसकी 266 कट ऑफ गई थी। तो अगर देखा जाए तो मतलब ठीक है, इतनी कुछ हाई भी नहीं है, लेकिन 2020 में इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो थी 188। एंड ये कुछ इसकी कट ऑफ है, मतलब आप अगर इसके आसपास हैं तो आप इस कॉलेज को ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एक सही फैसिलिटीज़ के साथ एक सही कॉलेज आप लोगों को अगर प्रोवाइड हो रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नया कॉलेज है, धीरे धीरे सब इस्टेब्लिश हो जाता है। टोटल सीट इस कॉलेज में आपको 150 देखने को मिल जाती है, लेकिन परेशानी वहाँ आती है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन परेशानी आती है कि यार आप लोगों को एडमिशन तो लेना है, लेकिन आपका वो स्कोर नहीं बन पाया नीट के एग्जाम में कि आप अपना इस कॉलेज में एडमिशन ले सकें या फिर किसी दूसरे कॉलेज में अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो आप यार बेफिक्र हो जाए, आप गेट एडमिशन के थ्रू अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं अपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप अपने एडमिशन के लिए बुकिंग करा सकते हैं अभी से, तो सिक्योर हो जाएंगे ना यार आप। एक थोड़ा सा वो होता है फैक्टर, अगर जल्दी जाएंगे जल्दी पाएंगे तो वो वाला सीन है। तो आप मतलब इन शॉर्ट आप कॉन्टैक्ट तो करके रख ही सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करा भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो इस कॉलेज में आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है आप सभी के लिए। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में ढेर सारे इक्विपमेंट्स के साथ, नए नए इक्विपमेंट्स के साथ फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। एंड आपको यहाँ पे जिम मतलब ग्राउंड है जो वो काफ़ी सारे हैं, तो आप अच्छे से खेल भी सकते हैं। तो अच्छा कैंपस है यार, एक मतलब काफ़ी प्यारा सा इसका कैंपस देखने में लगता है, आप लोगों ने वीडियोस वगैरह के थ्रू देख भी लिया होगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी मतलब आउटिंग टाइम की तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इसमें 4 से 7 बजे तक की आउटिंग देखने को मिलती है कैंपस के अंदर। और अगर आपको बाहर जाना है मतलब आप सेकेंड ईयर में या फिर आपको इमरजेंसी है बाहर जाना है तो संडे को भी आपको यहाँ पे आउटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन विद परमिशन। परमिशन अगर आप लेके जाते हैं तो आपको यहाँ
यहाँ पे आउटिंग देखने को मिल जाती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन 8 बजे शायद इसका टाइम है आउटिंग टाइम। और अगर इस कॉलेज की मैं एकोमोडेशन 2 स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पेशेंट फ्लो के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया, पेशेंट फ्लो काफ़ी सही है इस कॉलेज का, तो आप इस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं गेट एडमिशन के थ्रू। गेट एडमिशन आपका एडमिशन जरूर करा देगा, प्लीज़ अभी कॉल करें, ठीक है, इस वीडियो के खत्म होते ही। एंड आप कमेंट सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छे से करना। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।